અને હવે વાત શિવરાજના ઝેરની। पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल नो बफाट, भगवद गीता अंगे कर्यो मोटो बफाट। कह्यु श्री कृष्ण ए अर्जुन ने आपेलो उपदेश जेहाद, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिवराज द्वारा आ निवेदन आपवामां आव्यु छे। तो शिवराज द्वारा जे निवेदन आपवामां आव्यु छे, पूर्व गृहमंत्री छे शिवराज, जेमणे शिवराज पाटिल के जेमणे बफाट कर्यो छे, भगवद गीता अंगे तेमणे मोटो बफाट कर्यो छे। कह्यु छे के श्री कृष्ण ए अर्जुन ने आपेलो जे उपदेश छे ते जेहाद छे। वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर, महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान से और गीता के अंदर है, ऐसा नहीं है। मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी तो पोताना निवेदन पर शिवराज समर्थन आप्यु, जेहाद वाला निवेदन पर फरी बोलिया शिवराज। उसको जेहाद कहते हैं क्या? अगर कृष्ण को, कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा तो उसको जिहाद कहेंगे क्या? आप ही कह रहे हैं, उन्होंने कहा, कृष्ण ने, उन्होंने कहा कि तुम, वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए उनसे बात करो। और ये यही जो है ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है, और ये बाइबल है वही बोला है, और ये बाइबल के अंदर दोनों भी किताबों के अंदर उन्होंने ये बोला है, कुरान शरीफ में ये बोला है कि कोई आदमी बोलता है कि भगवान एक है, उसकी मूर्ति नहीं बनाना, उसका गीता के अंदर क्या बोला है कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रंग नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, ऐसा उन्होंने। तो कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल निवेदन थी रोष जोवा मळ्यो छे। भाजप प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सामे आवी, गुजरात चूंटणी पहला कांग्रेस नो नफरत नो प्रयोग, कांग्रेस नो आ संयोग नहीं प्रयोग छे। ये कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी इजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है, मतलब कि ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जन्युधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आइसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है, और गुजरात की जनता और भारत की जनता निश्चित ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को सबक सिखाएगी। तो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी शु कहु ते पण सांभळिए। भगवान कृष्णना भक्तों ने आज जे प्रकारे ठोस पहोंचाड़वानो, एमनी आस्थाने ठोस पहोंचाड़वानो जे प्रयत्न कर्यो छे, ए खरेखर वखोड़ी काढ़व जो है, हूँ खास कर वखोड़ू। देखो जारे जारे गुजरात की चूंटनी आए त्यारे देश की तमाम ताकतों कया प्रकार गुजरातना नागरिकों ने, गुजरातना नागरिकों की आस्था ने ठोस पहुँचाड़ा एवं प्रयत्नों दरेक चूंटनी में थाय, एक थी आगल बढ़ता हो त्यारे आ प्रकार समाज ने अलग पाड़ता स्टेटमेंटो
આપવા એ ખરેખર ક્યાંક ને ક્યાંક તપાસનો વિષય છે ને વિચારવાનો વિષય છે।